मौलाना कासमी की हरकत की चौतरफा आलोचना हो रही है। जी हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, देश की आम आवाम पूछ रही है, देश का सोशल मीडिया पूछ रहा है, देश के नामी अखबार पूछ रहे हैं, राजनीतिक दल पूछ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर महिलाओं की आवाज को क्यों दबाना चाहते हैं मौलाना? तीन तलाक और हलाला के विरोध पर इतना क्यों बौखला जाते हैं मौलाना? जी हिंदुस्तान के लाइव डिबेट शो बताना तो पड़ेगा में मौलाना ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की वकील और ट्रिपल तलाक के मुख्य याचिकाकर्ता फराह फैज पर हमला किया, उसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। इस तरीके का माहौल आपके कितने ही पुख्ता व्यूज के ना हो, आपका कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो, आपकी जाती लड़ाई थोड़ी है, आप तो अपने विचार रखने के लिए बैठे हैं। कल जो कुछ हुआ वो शर्मिंदगी से भरा हुआ था, उसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। कि एक गैर जिम्मेदाराना संस्था से यही उम्मीद की जा सकती थी, जो कल उसका एक जीता जागता सबने लाइव सजीव प्रसारण देख लिया। अब इसके बाद कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको कि एक भ्रम के तहत बनाया गया एक संस्था है, कि जिसको एक धार्मिक संस्था बनाकर पेश किया गया देश के सामने, देश के तमाम मुसलमानों के सामने, कि ये एक कोई धार्मिक संस्था है, वो बेचारे चूंकि उनको शिक्षा की तरफ ले नहीं गए और अपना मतलब सीधा करने के लिए एक एनजीओ ने इतना बड़ा तांडव किया और इतना बड़ा एक कहना चाहिए कॉन्स्पिरेसी की है कि इन्होंने इस संस्था को ऐसे प्रोड्यूस किया कि जैसे ये कोई धार्मिक संस्था है। ये पहले बार देख रहा हूँ, इससे पहले पाकिस्तान में होता था ये सब हरकत, अब ये हिंदुस्तान में और अपनी ज़मीन पर, और वो भी एक महिला और एक सज्जन के बीच में ये जो वारदात हुआ, बहुत ही शर्मनाक एक वारदात है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। महिलाओं के ऊपर कोई भी हाथ उठाए और इस प्रकार से टीवी डिबेट के ऊपर उठाए, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन एक चीज़ साफ हो जाती है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं, जो उसके अंदर हैं, वो मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ दबाना चाहते हैं, उनका हक छीनना चाहते हैं और यही करते आए हैं। उसके अंदर जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, उन्होंने उनकी मदद करी है, उनको संरक्षण दिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को फ्रीडम है अपनी बात रखने का, और इस तरह का व्यवहार चैनल के अंदर डेस्क पर हो किसी व्यक्ति के माध्यम से, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है और निंदा का विषय तो है।